Dear students, Assalamu Alaikum. In this section, we are going to create an inventory item. An inventory item is basically those goods which you purchase with an intent to use within your own company for manufacturing another product or which you intend to sell eventually to your customers. Inventory item, wo item hai. जो आप किसी सप्लायर से इस नीयत से लेते हैं कि उससे आप इस्तेमाल करके अपने पास कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करेंगे या वो आइटम चूँगी तो आप अपने कस्टमर को बेच देंगे जब भी ये इन्वेंट्री आइटम आपके पास आएगी तो दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर एसेट्स इसकी एक बाइंग प्राइस होगी और इसकी एक सेलिंग प्राइस होगी जब ये आएगी तो इन्वेंट्री में जाएगी और जब ये सेल कर दी जाएगी या इस्तेमाल हो जाएगी तो इसका एक एक्सपेंस होगा जो हम अकाउंटिंग में नोट करेंगे और जो डिफरेंस है इसकी बाइंग एंड सेलिंग की वो एक मार्जिन है जो आपका प्रॉफिट है वो कैसे आता है ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे लेकिन आप लोग गूगल करें और सर्च करें और देखें कि प्रॉफिट किस तरह से क्रिएट होते हैं फॉर आर पार्ट इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू क्रिएट एन इन्वेंट्री आइटम इन क्विक बुक्स एंड सी वॉट एंड हाउ इट अफेक्ट्स द क्विक बुक्स लेट्स गो ओवर टू आर क्विक बुक्स क्विक बुक्स में होम पेज के ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यू है लिस्ट का जब आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में यू हैव टू सेलेक्ट आइटम लिस्ट जैसे ही आपने आइटम लिस्ट किया बहुत सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आना शुरू हो गई हैं इसमें आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ आइटम्स हमारे पास किस टाइप के हैं जिसमें इन्वेंट्री पार्ट है और जिसमें सर्विस है अगर आपको याद हो कि पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि हमारे जो आइटम्स हैं उनकी बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन वो आइटम्स जो हम अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं वो बेसिकली दो हैं एक सर्विस और दूसरा प्रोडक्ट या गुड्स इनको हम इन्वेंट्री आइटम या सर्विस आइटम कहते हैं इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विथ इन्वेंट्री आइटम ओनली सब्सिक्वेंटली इन लेटर ऑन लेटर लेक्चर्स वी आर गोइंग टू क्रिएट सर्विस आइटम्स बट फॉर दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू एड अनदर इन्वेंट्री पार्ट टू आर लिस्ट इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि एट द बॉटम ऑफ द पेज ड्रॉप डाउन मौजूद है जिसका नाम है आइटम्स क्लिक करें एंड चूज न्यू आपके पास ये स्क्रीन सामने आ जाएगी और हमने क्योंकि इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करना है तो आपने यहाँ चूज़ करना है इन्वेंट्री पार्ट इस इन्वेंट्री पार्ट का आपने एक नाम देना है और वो नाम रेलिवेंट इस तरह से होना चाहिए कि एज इन वेन रिक्वायर्ड यू कैन सर्च फॉर इट सेलेक्ट इट एंड यूज इट क्योंकि ये हार्डवेयर की दुकान है इसलिए हम यहाँ जो आइटम दे रहे हैं डोर हैंडल अब ये नाम हमारी कंपनी का नाम है इस आइटम के लिए लेकिन हम जिस वेंडर से ये चीज़ ख़रीद रहे हैं उसके पास भी इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट का एक नंबर या नाम होगा और हमें चाहिए हमेशा कि हम अपने वेंडर या सप्लायर का भी मैन्युफैक्चरिंग कोड या आइटम कोड ज़रूर फीड करें रेफरेंस के लिए क्योंकि जब भी हमने अपने वेंडर को ऑर्डर देना है हमने उस वेंडर का रेफरेंस नंबर इस्तेमाल करना है या आइटम कोड इस्तेमाल करना है। ये वो मॉडल नंबर है जो हमारा सप्लायर अपने इस आइटम को देता है नेक्स्ट जब भी ये सेल होगा इसकी जो एक्सपेंस है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाएगी इसकी कॉस्ट हम लिखेंगे कि इस रेट पे यह चीज़ हमें मिलती है ये चीज़ हमें एक हज़ार रुपए में मिलती है और इसकी सेलिंग प्राइस है पंद्रह सौ रुपए अब सिस्टम हमसे पूछ रहा है कि आप हमें ये बताएं कि जब हम ये चीज़ सेल करेंगे तो हम किस अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये मटेरियल है इसलिए अगर आप इसे क्लिक करें तो आप ऊपर देख सकते हैं मटीरियल इनकम यहाँ दिया गया है और हम इसको मटीरियल इनकम में रजिस्टर किया करेंगे रिकॉर्ड किया करेंगे वेन एवर दिस इज़ अवेलेबल टू अस एंड ऑफ द पेज आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ज़रा उस पर गौर कीजिए यहाँ लिखा हुआ है दिस इज गोइंग टू बी एन एसेट अकाउंट और इन्वेंट्री एसेट में जाया करेगी क्योंकि जब भी हम ये चीज़ खरीदेंगे इसकी एक वैल्यू है और ये हमारा एसेट है इसलिए ये हमेशा एसेट इनकम में जाएगी और वहीं पर पार्क हुआ करेगी इस वक्त हमने ये चीज़ नहीं ख़रीदी हुई क्योंकि हम पहली दफ़ा से रजिस्टर कर रहे हैं क्योंकि हमने ये ख़रीदा नहीं है तो यहाँ इसमें ऑन हैंड ज़ीरो और टोटल वैल्यू ज़ीरो नज़र आ रही है इस पर हमने अभी कोई मिनिमम या मैक्सिमम रीऑर्डर पॉइंट सेट नहीं किया हुआ ये भी हम सब्सिक्वेंटली सेट करेंगे एज एंड वन रिक्वायर्ड और जब हमारे पास इसकी सेलिंग की फीडबैक आना शुरू हो जाएगी कि ये कितने मेदार में सेल होती है प्रीफर्ड वेंडर भी हम दे सकते हैं लेकिन इस वक्त हम नहीं दे रहे लेकिन आम तौर पे आप प्रिफर्ड वेंडर वही देंगे जिसका मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर आपने ऊपर दिया हो ये वेंडर टू वेंडर सप्लायर टू सप्लायर पार्ट नंबर चेंज हो सकता है लेकिन हमने अपने प्रिफर्ड वेंडर का ही पार्ट नंबर देना है

सेल हमेशा हम अपने कस्टमर्स को करेंगे सेल करने के भी हमारे पास एक से ज़्यादा तरीके हैं हम सिर्फ और सिर्फ इसको सेल कर दें एज एन आइटम ये हमारे पास इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है और हम इसे उठा के अपने वेंडर को भेज दें दूसरा तरीका ये है कि हमने एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट लिया हुआ है उसमें हम इसको इस्तेमाल कर लें इन बोथ केसेस वी आर गोइंग टू गेट और अर्न इनकम फ्रॉम आर कस्टमर्स पहले केस में इसे हम एज अ गुड्स एज अ प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे रहे हैं और दूसरे केस में एज अ सर्विस अपने कस्टमर को दे रहे हैं लेकिन हमारी प्रोडक्ट ये एक मौजूद है एक इन्वेंट्री आइटम है विच इज़ बेसिकली अवेलेबल इन आर वेयरहाउस वहाँ ये मौजूद है इसकी कीमत है हमने इसकी कीमत भी नोट कर ली है और इसकी सेलिंग प्राइस भी नोट कर ली दैट डज नॉट मीन दैट यू कैनॉट चेंज द सेलिंग प्राइस एज एंड वेन रिक्वायर्ड इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सेलिंग प्राइस हम बढ़ा या घटा नहीं सकते एट द पॉइंट ऑफ सेल लेकिन हम ये ज़रूर करते हैं कि हमारे पास एक रेफरेंस सेलिंग प्राइस हमने पहले ही सेट कर दी है आइए देखते हैं कि ये हम वेंडर से कैसे खरीद सकते हैं तरीकेकार वेंडर से ख़रीदने का है कि हम उसका एक बिल बनाएं और हम आइटम वो चूज करेंगे जो अभी हमने अपने पास रजिस्टर किया है नाउ वी हैव दैट आइटम लिस्टेड ऑन आर बिल क्वांटिटी हम डाल देते हैं हमने उससे एक हज़ार डोर हैंडल खरीद लिए हैं उसकी अमाउंट बन गई है एंड वी आर गोइंग टू सेव एंड क्लोज दिस जैसे ही हमने ये बनाया ये इंफॉर्मेशन हमारे पास सेव हो गई है इसको चेक करने का आसान तरीका ये है कि हम वेंडर के पास जाएं और चेक करें कि हमने ये बिल बनाया है या नहीं आप क्लिक करेंगे ये वही बिल है जो अभी हमने बनाया है इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस डोर हैंडल के एक हज़ार पीस इन्वेंट्री में आ गए हैं एंड फॉर दैट वी हैव टू पे वन मिलियन रुपीज़ टू द सप्लायर और वेंडर अब हमारे रिकॉर्ड में दो चीज़ें आ गई एक हमारे रिकॉर्ड में आ गया है तादाद उस इन्वेंट्री आइटम की जो हमने खरीदी है और दूसरा हमारे रिकॉर्ड पे आ गया है वो अमाउंट जो हमने इसके आवश अपने सप्लायर और वेंडर को देनी है सो नाउ यू नो हाउ टू ऐड एन इन्वेंट्री आइटम इन द लिस्ट एंड हाउ टू ऐड इन्वेंट्री इन टू योर इन्वेंट्री आइटम्स मतलब ये हुआ कि हमने पहले एक आइटम बनाया और उसके बाद उसकी ख़रीदने से उसकी तादाद अपनी इन्वेंट्री में इंक्रीज की है इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी हाउ टू क्रिएट अ सर्विस आइटम